कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, लगता है बहुत ही टेस्टी फिश बनाई है आपने। थैंक यू डियर। आज अंकल का बर्थडे है ना, इसलिए स्पेशल प्रेपरेशन, और अंदर मैंने मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी डाला है। ओहो, और क्या क्या सीक्रेट है आपके? Happy birthday to you. Happy birthday. पापा, इस बार बेस्ट गिफ्ट लाया हूँ आपके, फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट फादर। बेसीजा बेजाद, गिफ्ट इस बार तुम्हारा पापा देगा सबको। आदमी जैसा दिखता है ना, वैसा होता नहीं है। जो सीक्रेट्स वो दुनिया से छुपाता है ना, वही सीक्रेट्स उसकी असलियत होते हैं। और तुम सब में से किसी का सीक्रेट आउट हो चुका है। Tomorrow, in front of my friend ACP Raut, उस सीकर का भांडा फोड़ूंगा। अब ये क्या बातें कर रहे हैं आप? किसका सीक्रेट? कौन सा सीक्रेट? लूसी, घर में पुलिस को क्यों बुलाया? इससे पहले कभी पुलिस आया क्या अपने घर पे? पापा, what is this? आज आपका बर्थडे है और आप कैसी कैसी बातें कर रहे हैं? दादू, I want to know the secret. Tell me now. Beta, I'll tell you. Let the time come. I'll tell you. आपके अंकल रुस्तम जी के कत्ल के इल्जाम में। सर, आज ऑफिस में कितनी शांति है, ना कोई मेरी शादी के बारे में बात कर रहा है और ना ही सफाई की। तू आज बिली को बहुत मिस कर रहे हैं ना? You're right, sir. मिसेस बिलिमोरे ऑफिस में नहीं है तो ऑफिस कितना खाली खाली लग रहा है। बिली, कैसी हो? 100 साल जियोगी तुम, तुम्हारी बात कर रहे थे। हेलो केडी, प्लीज हेल्प मी। बिली, क्या बात, क्या है, रो क्यों रही हो तुम?
दीदी, मैंने कुछ नहीं किया, बिलीव मी। मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया, मुझे पूरा विश्वास है तुम पर। तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं होने दूंगा मैं तुम्हें। मिसेस ब्लेमोरे, ये सब हुआ कैसे? मैं बताता हूँ योर ऑनर कि ये सब हुआ कैसे। रुस्तम जी ने मौत से पहले इस बात का ऐलान किया था कि वो अगली सुबह किसी के राज का पर्दाफाश करने वाले हैं पुलिस के सामने। जाहिर है योर ऑनर, वो मिसेस बिलिमोरिया की बात कर रहे हैं, और इसीलिए मिसेस बिलिमोरिया ने उसी रात को रुस्तम जी का कत्ल किया और ये वहां से भाग निकली। क्या बताने वाले थे रुस्तम जी, किस बात का पर्दाफाश करने वाले थे? नहीं जानते योर ऑनर, प्रोसिक्यूटर साहब नहीं जानते, हम में से कोई नहीं जानता, और रुस्तम जी भी नहीं रहे, अब इस बात की पुष्टि नहीं हो सकती। ये मनगढ़ंत बातें हैं योर ऑनर, अगर ऐसी कोई बात थी तो प्रमाणित कर सकते हैं आप, कोई साक्ष्य है आपके पास? योर ऑनर, इनके पुराने गुनाहों के तो कोई सबूत नहीं है मेरे पास, लेकिन हाँ, रुस्तम जी का कत्ल इन्होंने ही किया है, इस बात के कई सबूत हैं। योर ऑनर, ये इयररिंग जो बॉडी के पास मिला, ये इयररिंग मिसेस बिलिमोरिया का ही है, और इस जोड़ी का दूसरा इयररिंग पुलिस ने मिसेस बिलिमोरिया के घर से बरामद किया। इस इयररिंग पर मिसेस बिलिमोरिया के फिंगरप्रिंट भी पाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने अपने बयान में इसे अपना बताया भी है। मिसेस बिलिमोरिया, इयररिंग आपका है? हाँ। मौका या वारदात पर इस इयररिंग का होना ये सबसे बड़ा सबूत है। योर ऑनर, रुस्तम जी इनके अंकल हैं, इनका वहां लगातार आना जाना रहता था, उनके कक्ष में भी वो अंदर बाहर किया करती थी। इस बात का क्या प्रमाण है कि हत्या के समय ही ये कानों का झुमका वहां गिरा? पहले भी गिर सकता था। ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। तो अब मेरे विटनेसेस ये साबित कर देंगे कि हत्या के वक्त मिसेस बिलिमोरिया वहां पे मौजूद थी। पप्पा जी के कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी, मैं और मेरी पत्नी अनीता, हम दोनों उनके कमरे की ओर गए, तभी हमने देखा कि तो खूनी, जिसने पीला रेनकोट पहन रखा था, गार्डन से होते हुए पीछे के दरवाजे से भाग निकला। जी हाँ योर ऑनर, वो पीला रेनकोट मिसेस बिलिमोरिया का है, जो पुलिस को मिसेस बिलिमोरिया के घर से तलाशी के वक्त मिला। इतना ही नहीं योर ऑनर, वहां से भागते समय उस किलर ने अपने जूतों के निशान रास्ते में छोड़ दिए थे, जो कि मिसेस बिलिमोरिया के जूतों से मिलते हैं। और एक बात, उस जूतों पे लगी मिट्टी की भी जांच कराई गई, वो उसी बगीचे की मिट्टी है। इसका मतलब साफ है कि बहजाद ने मिसेस बिलिमोरिया को ही उस दिन रुस्तम जी का खून करते भागते हुए देखा। ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मैं पहले ही कह चुका हूं कि मिसेस बिलिमोरिया के अंकल थे रुस्तम जी, तो इनका उस घर में आना जाना रहता था, तो इसमें कोई अद्भुत बात नहीं है कि इनके जूतों पर उनके घर के बाग की मिट्टी लगी हो। रही बात रेनकोट की, तो बजाज साहब, आपने अपने कथन में कहा कि आपने पीले रंग के रेनकोट में किसी व्यक्ति को जाते हुए देखा, क्या आपने स्पष्ट रूप से मिसेस बिलिमोरिया का मुख देखा? जी नहीं। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की बातों में कोई दम नहीं है, अब अगर आपकी अनुमति हो तो मैं गोपाल को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। गोपाल जी, आप रुस्तम जी के घर के अतिरिक्त उनके बागान को भी संभालने का कार्य करते थे? जी हाँ। ये बताइए कि अभी अभी अभियोग पक्ष ने जिस मिट्टी का उल्लेख किया, उन्होंने कहा कि मिसेस बिलिमोरिया के जूतों के तले पर मिट्टी लगी हुई थी, तो क्या वो मिट्टी केवल बंगले के बगीचे के हिस्से में है या कहीं और भी? नहीं सर, उस रात बहुत बारिश हुई थी और मिट्टी चारों तरफ फैल गई थी। अगली सुबह सीमेंट वाला रास्ता भी मिट्टी से भरा हुआ था। अर्थात अगर कोई भी व्यक्ति घर में प्रवेश करता या घर छोड़कर बाहर निकलता तो उसके जूतों के तले पर वो मिट्टी लग जाती। जी हाँ। लेकिन योर ऑनर, पीछे के रास्ते में इनके जूतों के निशान मिले। ये कैसे संभव है गोपाल बाबू? मुझे बात थोड़ी अद्भुत लग रही है। किस प्रकार की वर्षा हुई थी उस दिन? बहुत तूफानी बारिश थी सर। योर ऑनर, तूफानी बारिश, इतनी मूसलाधार वर्षा कि वहां की मिट्टी पिघल कर चारों ओर फैल गई। अब ऐसे में योर ऑनर सोचने वाली बात है कि किसी के जूतों के छाप वहां पाए जाते हैं इतनी स्पष्ट रूप से कि उससे यह प्रमाणित होता है कि वो मिसेस बिलिमोरिया के ही जूते हैं। ऐसा कैसे संभव है? इतनी वर्षा में तो योर ऑनर जूते के छाप
भूल जाना चाहिए। ठीक है, चलो इस बात को मान लेते हैं, लेकिन पीला रेनकोट क्या उसे भी खारिज कर दिया जाए? योर ऑनर, वो बहुत ही अलग एक पिक्चुलर किस्म का रेनकोट है। अब योर ऑनर, ये तो बहुत ही बड़ा इत्तेफाक होगा कि खूनी ने ठीक वैसा ही रेनकोट पहना जो कि मिसेस बिली मोरिया के पास है। योर ऑनर, अभियोग पक्ष महोदय समझ ही नहीं पा रहे कि मैं क्या प्रकट करना चाहूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं योर ऑनर कि जिस प्रकार से अभी अभी मैंने ये कहा कि जूतों के निशान वहां रोपित किए गए थे, संभव है कि असल हत्यारे ने उसी प्रकार का रेनकोट पहना, हत्या करने के बाद वहां से पलायन हुआ ये जताने के लिए कि वो मिसेस बिलिमोरिया है, मिसेस बिलिमोरिया को फंसाने के लिए। समझ रहे हैं आप मैं क्या कह रहा हूं? क्या बात है पाठक साहब, आपके अनुसार आधी रात में किलर ने अचानक ये योजना बना डाली, और इतना ही नहीं बल्कि हूबहू वैसा ही रेनकोट खरीद के भी लाया रुस्तम जी को मारने के लिए। योर ऑनर, अब रेनकोट खरीद के लाए, योजना आधी रात को बनाई, या योजना पहले से बनी हुई थी, रेनकोट पहले से अपने साथ लेकर आए, अपने संग लेकर आए, क्योंकि जिस कंपनी का रेनकोट था उस कंपनी ने केवल एक ही रेनकोट तो बनाया नहीं होगा, ऐसे अन्य रेनकोट बनाए होंगे। चलो आपकी ये बात भी मान लेते हैं, तो आप मुझे ये बात बताएं कि मिसेस बिलिमोरिया उस रात किसी को बताए बिना मैंशन से निकली क्यों? इसके पीछे भी कोई कहानी है क्या? मिसेस बिलिमोरिया, आप ही बताइए। वो मेरे ना, मैं ना डायबिटीज की टैबलेट घर पर ही भूल गई थी, तो मैं उसको लेने गई थी। डेंजरस है ना डायबिटीज की टैबलेट, नहीं खाती हूँ तो। तो आपको जाने की क्या जरूरत थी मिसेस बिलिमोरिया? किसी को भेज सकती थी डे नाइट केमिस्ट के पास और मंगवा सकती थी। हाँ, वो उसके पीछे कारण ये है कि जहां तक मेरी जानकारी है, रुस्तम जी के मेंशन के आसपास ऐसी कोई औषधि की दुकान नहीं है जो रात भर खुली रहती है। अच्छा, तो फिर अभी सुबह दवाई ले लेती, क्या प्रॉब्लम? योर ऑनर, सौ बात की एक बात, प्रोसिक्यूशन ने अदालत में जितने भी परिस्थितिक प्रमाण प्रस्तुत किए हैं मैं सबको झुठला चुका हूँ। मेरी दलील ये है कि किसी व्यक्ति ने मिसेस बिलिमोरिया को फंसाने के लिए ये योजना बनाई। योर ऑनर, जैसा कि प्रोसिक्यूशन ने स्वयं बताया, रुस्तम जी दूसरी सुबह को कोई बहुत बड़ा राज खोलने वाले थे। अब हमें ये नहीं पता कि वो राज मिसेस बिलिमोरिया का ही था, हो सकता है कि उस परिवार के किसी और सदस्य का राज हो। मेरी अदालत से निवेदन है कि जब तक उस परिवार के हर सदस्य की जांच न हो जाए, अदालत की इस कार्रवाई को यहीं स्थगित कर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं होगा क्योंकि पुलिस घर के सारे सदस्य, यहां तक नौकर का भी बयान ले चुकी है। कत्ल के वक्त वो लोग कहां थे इसके विटनेसेस भी, सिवाय मिसेस बिलिमोरिया के। कत्ल के वक्त ये कहां थी ये कोई नहीं जानता। और एक खास बात योर ऑनर, बेजात और उनकी बेटी ने मिसेस बिलिमोरिया को रुस्तम जी के कमरे से भागते हुए देखा था, मतलब साफ है कि खूनी मिसेस बिलिमोरिया ही है। हाँ, लेकिन आप जो कह रहे हो, देखिए अब ये अदालत इस केस की अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। मेरा बचना मुश्किल होगा ना? मुश्किल तो तुम उसे बना रही हो बिली, झूठ बोलकर। बिली, तुम्हें वर्षों से जानता हूं मैं, हर वस्तु को जमा के संभाल के रखती हो तुम, आज तक नहीं चूकी। फिर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? तुम अपनी दवाई जैसी आवश्यक वस्तु ले जाना कैसे भूल गई? वो मैं जल्दी जल्दी में थी ना केडी, मेरे को लेट हो रहा था ना, इसलिए। झूठ मत बोलो बिली, झूठ बहुत दुर्बल होता है, अकेला नहीं खड़ा हो सकता। एक झूठ को खड़ा करने के लिए 100 झूठ और बोलने पड़ते हैं। अब सच सच बताओ, अचानक आधी रात गए बरसात में तुम अपने अंकल के घर से निकल क्यों गई? केडी, मैं झूठ अभी नहीं बोलूंगी तुमको, पर मैं तुमको सच पर नहीं बता सकती। कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती हो कि इस केस का निर्णय तुम्हारे इस बात पर निर्भर करता है। तुमने मुझे ये बात नहीं बताई तो केस हार जाएंगे, तुम्हें दंड मिलेगा।
मैं जानती हूँ केडी, पर ये कान चली हुई नहीं थी। अब तक मुझे लग रहा था कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, जानता हूँ। अब पता चल रहा है कि बिल्कुल नहीं। केडी, सबके लाइफ में ऐसी कुछ बात होती है जो वो दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकता। मेरे लाइफ में भी ऐसी कुछ डार्क सीक्रेट है। ठीक है, मुझे केवल इतना बताओ कि क्या तुमने अंकल को? नहीं, I did not kill Rustam uncle. I swear, I promise. Please believe me. I never killed him. Please save me. सब मैंने मिसेस बिलमोरे के हस्बैंड को इन्फॉर्म कर दिया। वो काम के सिलसिले में लंदन गए हुए हैं। खराब मौसम की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं। जैसी फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी वो तुरंत आ जाएंगे। मैंने उन्हें कह दिया, हमारे होते हुए उन्हें मिसेस बिलमोरे की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, आप उन्हें बचा लेंगे। बिली को बचाने का एक ही उपाय है, ये पता लगाना पड़ेगा कि रुस्तम अंकल कौन सा सच छिपा रहे थे और बिली हमें कौन सा सच नहीं बता रही। तू एक काम कर, रुस्तम अंकल के मेंशन जा और वहां जो जो भी है उनके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य की क्या योजना है ये पता लगा। जी सर। आप यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं? बचपन से, और कोई परिवार नहीं मेरा, बस एक बेटी है, उसकी भी बरसों पहले शादी कर दी। कहाँ हुई थी उसकी शादी? यही शिवडी में। ये कौन? रुस्तम जी का बेटा। जिस दिन ये तस्वीर खींची गई थी उसी दिन साइरस की मृत्यु हो गई। मृत्यु कैसे हुई? साहब का जन्मदिन था लगभग 20 साल पहले। सारस अपने सौतेले भाई बहन बहजाद और मिशा को बहुत प्यार करता था और वो दोनों भी उस पर जान छिड़कते थे। जब सब खाना खाने के लिए बैठे तो सारस बाबा वहां नहीं थे। बच्चों ने बताया कि ऊपर पहली मंजिल पे सारस के साथ में छुपा छुपी खेल रहे। उन्होंने बहुत ढूंढा पर सारस बाबा नहीं मिले। तभी पता चला घर में चोरी हो पूरे 6 लाख की। सबने सोचा कि हो सकता है सरस बाबा ने चोर को देख लिया और उसने कुछ समझ गया। रुस्तम जी का कमरा कहाँ? ये किसका? कुछ दिन पहले ही मिला है ये जूता, घर की मरम्मत के वक्त सारस का ही होगा। आपको कहां से मिला? ये तो डाक एरिया है, पहली बार किसी के घर में डाक एरिया देखा है। ठीक तो है ना बेटा? हो गए ना सारे गंदे कपड़े,
परसों की धूल जमा है इसमें। मैं भी इसमें ऐसे ही गिर गया था और ये जूता इसी में से मिला था। आपकी मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हम उस चोर को ढूंढ निकालें तो साइरस के कातिल का भी पता चल जाएगा। क्या बात? एक और बात हुई थी बेटा उस दिन, जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। मुझे बताई, कौन सी बात? मंजू जी, क्या आप राकेश सक्सेना को जानती हैं? हाँ, वो मेरे हस्बैंड का फ्रेंड था। क्या केवल इतना ही संबंध था या आपका राकेश जी के साथ कोई और घनिष्ठ गहरा संबंध? क्या मतलब है आपका? मतलब ये योर ऑनर कि संभवतः जो रहस्य रुस्तम जी अगली सुबह सबको बताने वाले, वो मिसेस बिलमोरिया के बारे में नहीं, मंजू जी के बारे में। रुस्तम जी के बेटे साइरस की हत्या हुई और हत्यारा आज तक पकड़ा नहीं गया, किंतु जिस दिन साइरस की मृत्यु हुई उस दिन एक विचित्र घटना घटी थी। गोपाल जी ने यह रहस्य मेरे सहायक वरुण को बताया। मेरी राकेश के साथ नजदीकियां थी लेकिन वो रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। ये बताइए कि राकेश साइरस के पीछे गया तत्पश्चात क्या हुआ? साइरस नहीं मिला लेकिन गोपाल कुछ नहीं कहेगा। उधर उधर हाथते ये साइरस के पीछे दौड़ते दौड़ते लग गया। डोंट वरी यंग, हमको जल्दी से नीचे जाना चाहिए वरना रुस्तम को शक हो जाएगा। चलो। योर ऑनर, राकेश जी बहुत ही हिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। पुलिस में उनके विरुद्ध 3 कंप्लेंट दर्ज हैं, उन पर मारपीट का मुकदमा भी चल रहा है। केवल इतना ही नहीं, योर ऑनर, राकेश जी ने गोपाल जी और उनकी सुपुत्री को जान से मार देने की धमकी भी दी। अगर वो नहीं मिला और किस बात का पता किसी को चला ना तो तेरे साथ तेरी बेटी को भी मार दूंगा। ढूंढ उसको। हाँ, लेकिन राकेश ने साइरस को नहीं मारा। ये आपको कैसे पता? किस आधार पर आप कह रही हैं आप? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप राकेश जी को बचाने का प्रयास कर। मैं क्यों बचाऊंगी उसे? आप उन्हें बचाने का प्रयास कर रही हैं और आप अदालत में झूठ भी बोल रही हैं कि आप और राकेश जी अलग हो गए हैं। सत्य तो ये है कि आप और राकेश जी अब भी एक साथ है। योर ऑनर, इनके दूरभाष यंत्र की सूची है मेरे पास जिससे साफ साफ ये स्पष्ट होता है कि अब भी दूरभाष यंत्र पे इनकी राकेश जी से वार्तालाप होती रहती है। केवल इतना ही नहीं, जिस क्लब की ये मेंबर है उस क्लब के राकेश जी भी मेंबर है और क्लब के एक नहीं अनेक लोग ये गवाही ही दे सकते हैं अदालत में कि आप और राकेश जी के बीच अब भी भेंट होती रहती है। होती रहती है यार। लेकिन सच सच बोलिए, अदालत में झूठ बोलना बड़ा संगीन अपराध है, कड़ा दंड देंगे आपको न्यायाधीश महोदय। हाँ, मैं राकेश से आज भी मिलती हूँ। ऑर्डर, ऑर्डर। हाँ, भी आप राकेश से मिलती है इसी कारण जब रुस्तम जी ने कहा कि वो किसी रहस्य को उजागर करने वाले हैं, सत्य को उजागर करने वाले हैं, तो आपको लगा कि वो आपके और राकेश जी के संबंध के सत्य को उजागर करेंगे। केवल इतना ही नहीं, लोगों को ये भी बता देंगे कि राकेश जी ने ही साइरस की हत्या की है। आप भयभीत हो गई और इससे पहले कि रुस्तम जी सत्य उगले आपने उनका मुंह ही बंद किया, उनकी हत्या कर। ऑर्डर, ऑर्डर, मेंटेन साइलेंस इन द कोर्ट। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। पुलिस के रिपोर्ट के अनुसार साइरस को उसने मारा जिसने उस दिन घर से 6 लाख रुपए चुराए थे और सब जानते हैं कि इसका मंजू जी से कोई लेना देना नहीं है। योर ऑनर, किसका किससे लेना है, किसका किससे देना है, सब स्पष्ट कर दूं अगर आप मुझे अनुमति दें कि मैं गोपाल जी को डिस्कस करूं। आपकी सुपुत्री सावित्री का ससुराल सीवरी में,
जी हाँ। तो क्या होता है ना गोपाल जी, ये जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनमें एक विशेषता होती है कि किसी बात से अगर उनमें जलन की या ईर्ष्या की भावना पैदा हुई हो उस बात को वो वर्षों तक नहीं भूलते। और आपकी सुपुत्री के ससुराल के पड़ोसी जो हैं वो आज तक ये बात नहीं भूले हैं कि आपने 6 लाख रुपए नकद अपने जमाई राजा को दिए। वही 6 लाख रुपए जो आपने रुस्तम जी की तिजोरी से चुराए थे। देखिए गोपाल, मनुष्य से भूल तो होती है किंतु भूल को स्वीकार करना अपने आप में एक बड़प्पन होता है। कि आप अपने इस भूल को स्वीकार करेंगे, आपने चोरी की थी रुस्तम जी की तिजोरी से 6 लाख रुपए चुराए थे, आपने चुराए थे या नहीं चुराए थे? मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझसे गलती हो गई साहब, बेटी के भविष्य के लिए मैंने ये चोरी की। लेकिन मैं उसी बेटी की कसम खा करके कहता हूँ, मैंने साइरस बाबा को नहीं मारा। योर ऑनर, प्रोसिक्यूशन की दलील कि साइरस की हत्या चोरी के कारण हुई, इस दलील को मैं ठुकरा रहा हूं। पुलिस ने उस घर के हर सदस्य का कथन दर्ज किया था और हर सदस्य का यही कहना था कि जिस समय हत्या हुई, जिस समय शव वहां से प्राप्त हुआ, उस समय ये रसोई घर में थे। कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूं योर ऑनर कि साइरस की हत्या का कारण चोरी नहीं थी, कारण कुछ और था। मंजू और राकेश के संबंध से अच्छा और कोई कारण ही नहीं। योर ऑनर, मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, ये केस साइरस के कत्ल का नहीं, ये केस रुस्तम जी के कत्ल का है। मैं जानता हूं कि ये साइरस की हत्या का मुकदमा नहीं है, रुस्तम जी की हत्या का मुकदमा है। इसी कारण मैं कह रहा हूं कि साइरस की हत्या का जो कारण था वही रुस्तम जी की हत्या का भी कारण है। तो जब रुस्तम जी का कत्ल मिसेस बिलिमोरिया ने किया है तो हो सकता है कि साइरस को भी उन्होंने ही मारा। खाली बंदूक चलाने से कोई लाभ नहीं होता और बिना प्रमाण के दलील रखने से कोई लाभ नहीं होता। आपके पास कोई प्रमाण है कि मिसेस बिलिमोरिया ने हत्या की है? तो पाठक साहब, आपके पास क्या सबूत है कि मंजू जी ने रुस्तम जी का कत्ल किया है? साइरस की हत्या को छिपाने के लिए इन्होंने रुस्तम जी की हत्या की, इट्स ऑब्वियस। पाठक साहब, रुस्तम जी का कत्ल मिसेस बिलिमोरिया ने किया है और शायद साइरस का भी। शी इज अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। इसका प्रमाण दीजिए प्रोसिक्यूटर साहब, कोई प्रमाण है आपके पास? बिली, 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 बिली। तो पाठक, आपकी क्लाइंट मिसेस बिलिमोरिया ठीक तो हैं? योर ऑनर, मुझे लगता है कि इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना चाहिए। मिसेस बिलिमोरिया को तुरंत मेडिकल फैसिलिटी दी जाए। द कोर्ट इज एडजर्न फॉर द डे। चिंता मत करो बिली, केस का रुख उसी तरफ है जहां हम चाहते हैं। बस मुझे कुछ साक्ष्य और इकट्ठा करने हैं। केडी, आई हैव अ कन्फेशन टू मेक। केडी, मैं तुमको बोलना चाहती हूँ कि मैं रुस्तम अंकल के घर से क्यों भाग गई थी, चाहे मेरे को सजा हो और फांसी भी हो। शांत हो जाओ, क्यों, क्या 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 कहना चाहती हो? आई किल्ड साइरस, मैंने उसका खून किया। क्या कह रही हो तुम मेरी, पूरी बात बताओ। वो एक एक्सीडेंट था, मुझे तो फटाफट नहीं था कि वो मर गया है। साइरस छिपा छिपी खेलते टाइम शायद ट्रंक में छुपा था, मैंने उसे खोला पर देखा नहीं, और जब पता चला then it was too late। ये बात मेरे को अंदर ही अंदर खाए जा रही है। और जब पार्टी में अंकल रुस्तम ने बोला कि वो हम लोग को कुछ सीक्रेट बताना चाहते हैं, तो मैं डर गई। मैंने समझा कि उनको पता चल गया है ये इस बात के बारे में। तो I ran away from there। मैं जानती हूँ कि साइरस को मैंने अनजाने में मार दिया और उसकी सजा मेरे को मिलेगी, बट मैंने अंकल रुस्तम को नहीं मारा। बट नो वन विल बिलीव मी नाउ। वो रेनकोट था, वो कहाँ से खरीदा था तुमने?
वो अंकल रुस्तम ने मेरे को प्रेजेंट दिया था लास्ट ईयर उनके बर्थडे के टाइम पे, वो रिटर्न गिफ्ट था। अब हम क्या करेंगे सर? अब सत्य को उजागर करना पड़ेगा। और रुस्तम अंकल के मैंशन के घर के पास एक सुपरमार्केट है, पता लगा कि बिली का रेनकोट वहीं से खरीदा गया था, और अगर वहीं से खरीदा गया था तो वैसा ही रेनकोट और कितने लोगों ने लिया। कंप्यूटर है उनके पास, पूरी जानकारी तो होगी। ठीक है सर। योर ऑनर, मिसेस बिलेमोरिया ने एक ऐसे बात का खुलासा किया जिसे सुनने के बाद मुझे यह आभास हुआ कि इनके पक्ष में केस लड़ना मेरे लिए व्यर्थ होगा। जिस दिन साइरस की मृत्यु हुई उस दिन मिसेस बिलेमोरिया ने उस मेंशन के तल घर में या बेसमेंट में पड़े उस संदूक को बंद किया था जिसके अंदर पुलिस को साइरस का शव था। ऑर्डर ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच। आपकी ईमानदारी की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कमी होगी। आपने खुद ब खुद मिसेस बिलेमोरिया के सारे गुनाह अदालत के सामने पेश कर दिए। योर ऑनर, इससे साफ जाहिर होता है कि मिसेस बिलेमोरिया ने अपने उस गुनाह को छुपाने के लिए एक और हत्या कर दी, रुस्तम जी की हत्या। प्रोसिक्यूटर साहब, कितनी उत्तेजना सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। अब तक तो मैंने केवल मिसेस बिलेमोरिया की विचारधारा, इनकी सोच को अदालत के समक्ष रखा है, किंतु उस संदूक को बंद करने के पूर्व क्या हुआ था और पश्चात क्या हुआ, ये अब भी शेष। योर ऑनर, इस बात को स्पष्टता से अदालत के सामने दर्शाने मैं उस संदूक को अदालत में बुलवाना चाहूंगा। इजाजत है। योर ऑनर, रुस्तम जी के घर से लाया गया ये वही संदूक जो उस दिन मिसेस बिलेमोरिया ने बंद किया था, जिसके पश्चात पुलिस को इसके भीतर से साइरस का शव था। उस दिन घटनाक्रम क्या था उसे प्रकाशित करने के लिए सर्वप्रथम तो मैं इसे खोलना चाहूँ, और मैं योर ऑनर आपकी अनुमति से, आपकी आज्ञा से प्रोसिक्यूटर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ कि वो इसके भीतर प्रवेश करें ताकि मैं दर्शा सकूँ कि उस दिन घटनाक्रम क्या था। ये कैसा मजाक है ये? योर ऑनर, सत्य को प्रकाशित करने के लिए आपके सहायता की अपेक्षा कर रहा हूँ, आप नहीं चाहते सत्य उजागर हो? लेकिन मैं प्रोसिक्यूटर महोदय, प्लीज कोऑपरेट। ऑलराइट योर ऑनर, आइए आइए। स्टॉप दिस। योर ऑनर, आप चिंता न करें, प्रोसिक्यूटर्स की चमड़ी बहुत मोटी होती है, कुछ नहीं होना है। बोलो, बोलो, अरे बोलो। मिस्टर पाठक, खोलिए संदूक को। मेरा दम घुट रहा है। बोलो। मिस्टर पाठक, संदूक को खोलिए, एंड दिस इज एन ऑर्डर। ये क्या? आप क्या केस हारने लगे तो यू टॉर्चर कर रहे हैं मुझे। क्षमा कीजिएगा प्रोसिक्यूटर साहब। योर ऑनर, मैं केवल इतना दर्शाने का प्रयास कर रहा था कि किसी व्यक्ति को अगर अचानक बंदी बना लिया जाए संदूक के अंदर तो प्रतिक्रिया क्या होती है। कुछ क्षणों के लिए प्रोसिक्यूटर साहब अंदर थे और जब बाहर आए इनकी अवस्था देखिए योर ऑनर, विचलित, माथे पे पसीना, अस्त व्यस्त। संदूक के अंदर भी योर ऑनर जो कपड़े रखे गए वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, किंतु योर ऑनर ये कुछ चित्र है पुलिस फाइल से प्राप्त हुए साइरस के देह के चित्र। चित्रों से प्रमाणित होता है कि जब साइरस का शव पाया गया तब संदूक के अंदर जो कपड़े थे
वो बिल्कुल समेटे हुए थे और साइरस के देह पर आशंका या किसी भी प्रकार के अशांति कोई संकेत नहीं थे, जिसका यह अर्थ होता है कि मिसेस बिलिमोरिया के संदूक बंद करने के बाद साइरस बिल्कुल नहीं छटपटाया, बिल्कुल उत्तेजित नहीं हुआ, संदूक को खोलने का बिल्कुल प्रयास नहीं किया, जिसका यह अर्थ होता है योर ऑनर, किसी ने उसकी हत्या की तत्पश्चात उसे संदूक के अंदर रखा। ऑर्डर ऑर्डर योर ऑनर, मैं अदालत से आग्रह करूंगा मिसेस बिलिमोरिया की जो सोच कि इनके संदूक बंद करने के कारण साइरस की मृत्यु हुई वो भूल सोच थी। सत्य ये है योर ऑनर कि रुस्तम जी की जिसने हत्या की उसी व्यक्ति ने साइरस को भी मारा और उसके शव उस संदूक में बंद किया। दुर्भाग्यवश योर ऑनर इस बोझ के साथ मिसेस बिलिमोरिया अब तक जी रही थी। मेरा कर्तव्य है कि मैं सत्य को इस अदालत में उजागर करूं। मिली मिली संभालो अपने आप को, भूलो मत इस समय तुम अदालत। थैंक यू केडी, मैं बता नहीं सकती तुमने क्या किया है आज मेरे लिए। योराना, मिस्टर पाठक फिर से कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। अगर साइरस पहली मंजिल पे खेल रहा था तो सबकी नजरें बचा के वो बेसमेंट पहुंचा कैसे? क्या बात है प्रोसिक्यूटर साहब, आपके दिमाग की दाद देता हूँ कि ये प्रश्न आपके मन में उठा तो। योर ऑनर, इस प्रश्न का उत्तर अचानक मेरे सहायक वरुण को प्राप्त हुआ। हुआ ये कि जब उस मेंशन की जांच पड़ताल के बाद जब मेरे सहायक वरुण कार्यालय लौटे तो उनके कमीज पर जगह जगह काले धब्बे लगे हुए थे। मैं आग्रह करता हूँ आपसे न्यायाधीश महोदय कि आप एक बार फिर से साइरस के शव के चित्र जांच, ठीक उसी प्रकार के धब्बे साइरस के शर्ट पर भी थे। ये जो काले धब्बे इसका कारण है, साइरस जहां खेल रहा था, जिस कक्ष में खेल रहा था, उस कक्ष में एक लॉन्ड्री डक्ट या एक ऐसा छोटा सुरंग जिसमें से मैले गंदे कपड़े फेंके जाते हैं जो सीधा तल घर में रॉनर बेसमेंट में जाते हैं धुलने के। रॉनर साइरस की हत्या उसी कक्ष प्रथम माले पर की गई थी, तत्पश्चात उस लॉन्ड्री डक्ट के द्वारा, उस सुरंग के द्वारा बेसमेंट तक फेंकी गई थी, जिसके पश्चात हत्यारे ने इस संदूक उसके शव को रखा। अनजाने में बिली ने संदूक को बंद किया और अब तक इसी सोच में रही कि साइरस की हत्या इनके हाथ हो गई। आगे की कहानी का वर्णन करने के लिए मैं बेजाद को कटघरे में बुलाने की अनुमति चाहता हूं। बेजाद, तुमने पुलिस को अपने कथन में कहा था कि तुम प्रथम माले पर छुपा छुपी खेल रहे थे मीशा और साइरस के साथ, जिसके पश्चात साइरस जाकर कहीं छिप गया और फिर किसी को नहीं मिला। हाँ, फिर मैं और मीशा नीचे चले गए थे। वो जो सुरंग था साइरस के कमरे से जो नीचे तहखाने तक, तल घर तक जाता था, लॉन्ड्री डक्ट, उसके बारे में आपको तो जानकारी रही होगी पहले से? बिल्कुल नहीं, आज पहली बार सुन रहा हूँ आपके मुंह से। अगर आप उस सुरंग के बारे में, उस लॉन्ड्री डक्ट के बारे में जानते ही नहीं थे तो आप उसमें घुसे ही नहीं होंगे। घुसे नहीं होंगे तो आपका जूता वहाँ रह नहीं गया होगा। तो अगर आपका जूता वहाँ रह नहीं गया तो गोपाल जी को कैसे मिला? इससे पहले कि आप ये बोले कि जूता मेरा नहीं है योर ऑनर, ये रहा वो जूता और ये रही वो फोटो, इनकी फैमिली फोटो योर ऑनर। देखकर स्पष्ट होता है यही जूता इनके पैरों में है। तो स्वाभाविक है योर ऑनर, अगर जूता इनके पैरों में है तो जूता इनका ही है। हुआ ये कि गोपाल जी को वो जूता वहां से सुरंग से प्राप्त हुआ तो उन्होंने जाकर रुस्तम जी को वो जूता दिया, ये सोचकर कि वो उनके सुपुत्र की निशानी है, साइरस की निशानी है। किंतु रुस्तम जी जानते थे कि वो जूता साइरस का नहीं, वो तुम्हारा। रुस्तम जी गोपाल जी के गंदे कपड़े देखकर समझ गए कि उसी प्रकार के धब्बे साइरस की कमीज पर भी लगे थे। कुल मिला के वो ये बात समझ गए कि साइरस की हत्या बेजाद ने की है और इसी बात का खुलासा वो अगली सुबह करना चाह रहे थे। योर ऑनर, व्हाट, क्या कह रहे हैं आप?
मैंने आपसे कहा ना, मैं उस ट्रक के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। झूठ बोलना बंद करो। साइरस भूल से उस कक्ष में घुस गया जहां मंजू अर्थात आपकी माता जी और राकेश कुछ कुछ वो समझते हैं ना, अभी तो आप बड़े हो गए हैं। साइरस ये देखकर भागा, राकेश जी उसके पीछे पीछे भागे, वो अपने कक्ष में जाकर छिपा। तत्पश्चात आप उसके कक्ष में घुसे। साइरस ने आपको ताना मारा, आपकी माँ के नाम पर बुरा भला कहा, आप दोनों के बीच में तर्क वितर्क हुआ, झगड़ा हुआ। आप भी जानते थे कि आपकी माँ बुरी है, बुरी थी, ये सारे बुरे काम उन्होंने किए हैं। आपको अपनी माँ की बुराई सुनी नहीं गई और आपने उसकी हत्या की। तत्पश्चात उसे उस लॉन्ड्री डक्स नीचे भेजा और इस संदूक में बंद किया। आप ही ने हत्या किया। हाँ, हाँ, मार दूंगा, सबको मार दूंगा। साइरस को भी मार दिया मेरे। तेरी मां गंदी है, राकेश अंकल के साथ वो। साइरस, नो, तू झूठ बोल रहा है, मेरी मम्मी ऐसी नहीं है। नो बेबी, नो, नो बेबी। बेबी, उसने साइरस को मार दिया, हमें इसे छुपाना होगा, वरना कोई देख लेगा। ऑर्डर, ऑर्डर। लेकिन योर ऑनर, सिर्फ बेजाद नहीं, नहीं, इसकी पत्नी और बेटी ने भी हत्यारे को पीले रेनकोट में भागते हुए देखा था। उस प्रकार का रेनकोट कंपनी ने केवल एक नहीं अनेक बनाए होंगे। जांच पड़ताल से पता चला कि रुस्तम जी ने वैसे दो रेनकोट अपने मैंशन के निकट से सुपरमार्केट से खरीदे थे। एक रेनकोट उन्होंने बिली को दिया था भेंट स्वरूप और दूसरा रेनकोट योर ऑनर, तो मंजू जी बताएंगी। मंजू जी, जो बिल प्राप्त हुआ सुपरमार्केट का, उसके अनुसार रुस्तम जी ने आपको जरी की साड़ी दी थी, तो दूसरा रेनकोट स्पष्ट है योर ऑनर, वो मीशा जी को ही दिया होगा। योर ऑनर, जब जब रुस्तम जी ने इस खुलासे की बात की तो बेजाद समझ गया कि साइरस की हत्या की ही बात होगी। मीशा इस बात से भयभीत हो कि बेजाद पकड़ा जाए तो जीवन खतरे में आ जाए, और बेजाद को बचाने के मीशा ने रुस्तम जी की हत्या कर दी। क्यों मीशा जी? हाँ, सही कह रहा हूं मैं? योर ऑनर, अब मीशा ने पलायन करने का प्रयास किया, इससे ये प्रमाणित हो जाता है कि हत्या इन्होंने। द डिफेंस रेस्ट। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत मिसेस बिली मोरिया को इस केस में निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है और बेहजाद और मीशा को साइरस और रुस्तम जी के कत्ल में दोषी पाते हुए तुरंत हिरासत में लेने का हुक्म देती है। द केस इज क्लोज। अरे प्रोसिक्यूटर साहब, आपसे क्षमा मांगता हूं मैं कि आपको, इतने बड़े प्रोसिक्यूटर को मैंने इतने छोटे से संदूक में बंद किया, लेकिन अगर आपको बंद नहीं किया तो आप मेरी बिल्ली को कारागार में बंद कर देते। किडी पाठक के होते हुए असंभव है यार।